गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेसन 4 फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2013 में आज 51 पेज पे पढ़ेंगे अप्लाइंग बॉर्डर। यू कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर टू योर पेज और पैराग्राफ। आप अपने टेक्स्ट पर बॉर्डर या शेडिंग आप अलग अलग टाइप्स के आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द बॉर्डर बटन, ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप से आप बॉर्डर बटन के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे जाएंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द बॉर्डर एंड शेडिंग बटन, द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद आप बॉर्डर एंड शेडिंग बटन पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स दिखेगा। स्टेप 3 में, इन द बॉर्डर टैब चूज द स्टाइल बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। बॉर्डर टैब पे जा करके आप वहाँ पर स्टाइल होगा उसको चूज़ कर लेंगे, वहाँ पर भी आपको ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा। स्टेप 4, चूज अ कलर एंड विड्थ इन द सेम वे। और वहीं पर आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं और उसकी विड्थ को भी वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। स्टेप 5, यू कैन अप्लाई अ पेज बॉर्डर बाय गोइंग टू द पेज बॉर्डर टैब एंड चूज अ स्टाइल कलर एंड विड्थ। उसके बाद आप पेज बॉर्डर पे जा कर के वहाँ पर स्टाइल, कलर और विड्थ पेज बॉर्डर का आप चेंज कर सकते हैं। स्टेप 6, यू कैन अप्लाई अ शेडिंग टू द पैराग्राफ और पेज बाई गोइंग टू द शेडिंग टैब। उसके बाद आप पैराग्राफ या पेज पर शेडिंग टैब के थ्रू आप वहाँ पर शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 7 में, चूज द कलर एंड क्लिक ऑन ओके। वहाँ पे जो भी आपको मनपसंद कलर होगा उसको, कलर को क्लिक करेंगे देन ओके करेंगे। ओके, तो ये हम करके देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट यू सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन गो टू होम, पैराग्राफ, पैराग्राफ ग्रुप, सेलेक्ट द बॉर्डर एंड शेडिंग बटन। यहाँ पर आपका बॉर्डर एंड शेडिंग बटन है, यहाँ से हमने सबसे नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम बॉर्डर को, उसके बाद यहाँ से हम स्टाइल को देखेंगे, आप ये ले सकते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेप पे आप जाएंगे कलर पे, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया और आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे चेंजेस कर सकते हैं विड्थ को। देन हम जाते हैं पेज बॉर्डर पे, कि आपका पेज बॉर्डर है। फिफ्थ पे पेज बॉर्डर पे गए और यहाँ पर से हम यहाँ से भी स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये कर लिया। ये कलर चेंज कर सकते हैं, ये हमने येलो ले लिया। और यहाँ से विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम सिक्स नंबर स्टेप पे जाएंगे, वो है शेडिंग। शेडिंग पर आप गए, यहाँ से आप कलर ले सकते हैं जो आपका मनपसंद कलर हो। जैसे हमने यहाँ पे ब्लू ले लिया, इसके बाद आप लास्ट में ओके करते हैं। ओके, इस तरीके से हमारा जो ये पैराग्राफ है वो चेंज हुआ। ये बॉर्डर हमने अप्लाई किया है और शेडिंग अप्लाई किया है, इस तरीके से हमारा ये पैराग्राफ चेंज हुआ। ओके क्लास, थैंक यू।